जितने भी हैं हैं, जो जो करने वाले उन सभी के मुझे महीने महीने चाहिए। इन तीन महीने हम जो study plan follow करेंगे, उससे आपकी इंग्लिश बहुत इंप्रूव हो जाएगी ये मैं गारंटी ले सकती हूँ बट उसके लिए मुझे आपका कमिटमेंट भी चाहिए कि आप अगले तीन महीने तक ये स्टडी प्लान फॉलो करने वाले हैं सो so एक्साइटेड हैं सभी लोग तो हमारा टारगेट क्या रहेगा हमारा टारगेट रहेगा कि हम इंग्लिश में प्रीलिम्स में थर्टी आउट ऑफ थर्टी लेके आए मेंस में थर्टी सेवन प्लस लेके आए बिल्कुल पॉसिबल है बट ये तीन महीने मुझे आपके चाहिए ही चाहिए हर हालत में अब पहले एक बार अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके हर एग्जामिनेशन में आएंगे चाहे वो आई बी पी एस हो चाहे वो एस बी आई हो चाहे वो आर आर बी का मेन्स हो तो क्या क्या वो टॉपिक्स हैं तो अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा वो जो आपके टॉपिक्स हैं वो ये हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्लोजेस्ट जंबल्स, फिलर्स और एर। ये पांच टॉपिक्स तो ऐसे हैं जिन पे मुझे अपना सबसे ज्यादा कमांड बनाना है सबसे ज्यादा स्ट्रोंग बनाने हैं ये पांच कॉन्सेप्ट्स। फिर तो उसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो हो सकता है आए हो सकता है ना भी आए फॉर एग्जांपल इंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस, एजम्प्शन बेस्ड क्वेश्चंस, आपके कॉलम हो गए आपके स्टार्टर्स हो गए कनेक्टर्स हो गए वर्ड ऑर्डर वर्ड स्वैप वर्ड यूसेज फ्रेज रीअरेंजमेंट आपके ईडियम बेस्ड क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब बेस्ड क्वेश्चन और जितने भी आपके मिक्स क्वेश्चन होते हैं तो हमें अगले से तीन महीने अपनी प्रैक्टिस को इस तरीके से करना है जिससे कि ये सारे के सारे पैटर्न्स में मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो एग्जामिनेशन में कुछ भी आए मुझे बहुत ही ज्यादा इजी लगे तो यही चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप लोगों के लिए एक स्टडी प्लान बनाया है जिसमें कंप्लीट ग्रामर भी इन्वॉल्व है जिसमें आपकी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी है जिसमें आपकी वोकैबलरी भी है आपके सारे के सारे ये टॉपिक्स भी हैं जिसपे हम बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं सारी स्ट्राटेजी सारे कॉन्सेप्ट तो सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जो स्टडी प्लान है इसका या तो आप प्रिंट आउट निकाल लेना मैं टेलीग्राम पर इसको एक्सेल शीट फॉर्मेट में शेयर कर दूंगी तो आप इसका आउट जरूर निकाल दीजिएगा और यही इसी तरीके से हम आगे बढ़ने वाले हैं मुझे आपके तीन महीने चाहिए 90 चाहिए दैट टू मिनट्स उन तीन महीनों में तो दिस इज द स्टडी प्लान आर यू रेडी फॉर इट आई होप यस सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं तो ये कंप्लीट स्टडी प्लान है 19 तारीख से हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मंडे परफेक्शन 8.0 है इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ तो so, हम इस तरीके से प्रिलम्स के रोज टॉपिक्स करेंगे मेंस के रोज़ टॉपिक्स करेंगे एरर के पांच कॉन्सेप्ट्स करेंगे हम रोज़ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में आपको एडिटोरियल में दूंगी रोज़ एडिटोरियल का तो सेशन होता है एक लेटर और एक कैसे जैसे कि मैं आपको देती आ रही हूँ तो इस तरीके से तीन महीने का टोटल स्टडी प्लान है हम करेंगे कैसे ध्यान से देखना इसमें मैंने सारी चीज़ें इंक्लूड की है तो आप देख पा रहे हो गे एवरी सैटरडे एवरी सैटरडे हम इसमें ग्रामर करेंगे एवरी संडे आपको निमिशा बंसल एप्लीकेशन पे एक मॉक टेस्ट मिलेगा एवरी वेंसडे स्पेशल क्लास होगी फ्री क्लास होगी एवरी फ्राइडे आपको मैं क्लास में मॉक टेस्ट करवाऊंगी और बाकी के दिन जो मैंने टॉपिक्स लिखे हैं हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरीके से हम अगले तीन महीने तक परफेक्शन 8.0 में एक एक चीज़ को इंक्लूड करने वाले हैं फर्स्ट वन आर 15 मिनट्स हम प्री और मेन्स करेंगे लास्ट के 15 मिनट्स में हम पाँच पाँच क्वेश्चंस करेंगे रोज़ ग्रामर के तो इससे हमारी ग्रामर भी इम्प्रूव होते हुए चलेगी हमारे प्रीलिम्स की भी तैयारी होते हुए चलेगी हमारी मेंस की भी तैयारी होती हुए चलेगी और आप एडिटोरियल क्लास में आते ही हैं सुबह सात बजे वहाँ पे आपकी वोकैबलेरी और आपका डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी होता हुआ चलेगा तो बेसिकली दो चीज़ें हैं जो आपको करनी है दैट इज एडिटोरियल सात से साढ़े सात बजे रोज और ये आपका परफेक्शन साढ़े से दस ये परफेक्शन एट का स्टडी प्लान है कंप्लीट थ्री मंथ्स का मैंने स्टडी प्लान बनाया हुआ है और ये आठ सेप्टेम्बर तक आपके मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे टॉपिक्स एक एक चीज़ को बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवा दूंगी सो so, क्या आप लोग मुझे वादा कर सकते हैं कि हाँ जी मैम हम ये स्टडी प्लान पूरी तरीके से फॉलो करेंगे इस बात की गारंटी है आपको ये स्टडी प्लान अगर आपने फॉलो कर लिया आपकी ग्रामर की जितनी भी दिक्कतें हैं आपके प्रिलिम्स की तैयारी मेंस की तैयारी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी वो कैबलरी सबके सब इसमें कवर हो जाएंगे ठीक है चलो तो मिलते हैं परफेक्शन एट पॉइंट ओ की क्लासेज में उन्नीस तारीख से स्टार्ट हो रहा है ये बैच सत्रह तारीख तक आप इस बैच को में एनरोल करवा सकते हैं अपने आप को इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंग्लिश में मैं स्टडी प्लान तो दे रही हूँ बट उसके अलावा मुझे आप लोगों से दो चीज़ें और चाहिए दो चीज़ें क्या चाहिए कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान अगले तीन महीने आपने मुझे दिए हैं बट उन तीन महीनों में दो काम है जो आप रेगुलरली करोगे पहला काम जो आपको रेगुलरली करना है वो ये है कि आप एक टू डू लिस्ट मेंटेन करोगे आप पूरे दिन में क्या क्या पढ़ने वाले हो क्या क्या करने वाले हो सुबह उठ के सबसे पहले एक कॉपी पर लिख लोगे क्या एक्सपेक्ट कर सकती और दूसरी चीज जो मैं सभी लोगों से चाहती हूँ वो ये है कि कम से कम आप लोग रोज पांच मिनट मेडिटेशन जरूर करोगे तो ये दो चीजें आपको और ऐड करनी है इस स्टडी प्लान के अलावा मैक्सिमम से मैक्सिमम अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए टू डू लिस्ट मेडिटेशन और एक पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करके चलना इंग्लिश की जिम्मेदारी पूरी मेरे ऊपर है हंड्रेड परसेंट जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं हर वो कोशिश करूंगी कि आपका सिलेक्शन हो आपकी तरफ से भी हर वो कोशिश होनी चाहिए कि सिलेक्शन हो इंग्लिश का ये है क्वांट्स रीजनिंग जनरल अवेयरनेस सिमिलरली आप इन तीनों सब्जेक्ट्स का भी स्टडी प्लान अपने अपने टीचर्स से ले लोगे या बना लोगे और उस स्टडी प्लान को फॉलो करोगे अगले तीन महीने तक रिग्रेसली इस साल सिलेक्शन चाहिए मुझे आप सभी से हंड्रेड परसेंट चाहिए और एक जॉब नहीं मुझे चार चार पाँच पाँच ज्वाइनिंग्स चाहिए आप सभी से तो क्या मिलेंगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना एंड आई वुड रीड ईच एंड एवरी मैसेज तो कमेंट में सभी लोग मुझे बताएंगे आर यू गिविंग योर हंड्रेड परसेंट टू प्रिपरेशन और नॉट थैंक यू एवरी